हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो गाइस, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड NMC नेशनल मेडिकल कमीशन ने यूजी स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि ये ऑफिशियल नोटिस किससे रिलेटेड है। यूजी मेडिकल एजुकेशन बोर्ड के द्वारा ये डाला गया है, ठीक है। NMC के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिलेगा। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी और पीजी से रिलेटेड की हर टाइप के इन्फॉर्मेशन, चाहे वो ऑफिशियल नोटिस से रिलेटेड हो, रिजल्ट, कट ऑफ, काउंसलिंग, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। अब गाइस, हम बात करते हैं जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है किसके रिगार्डिंग है। तो देखिए, ये गाइज आपका ऑफिशियल नोटिस है, आप देख सकते हैं, जो कि NMC के थ्रू जारी किया गया है, नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड। ये किस चीज़ से रिलेटेड है पब्लिक नोटिस, ये देख लीजिए। इट इज़ इन्फॉर्म दैट द मोबिलिटी प्रोग्राम ऑफर्ड बाय यूक्रेन हैज़ बीन कंसिडर्ड इन द कमीशन इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वेयर इन इट वॉज इंटीमेटेड दैट द अकेडमिक मोबिलिटी प्रोग्राम इज़ अ टेम्प्रेरी रीलोकेशन टू अदर यूनिवर्सिटीज इन डिफरेंट कंट्री ग्लोबली। हाउएवर, द डिग्री विल बी अवार्डेड बाई द पेरेंट यूक्रेन यूनिवर्सिटी। गाइस, जो स्टूडेंट्स यूक्रेन, जब वॉर चल रहा था उस टाइम पे स्टूडेंट्स इंडिया वापस आ गए थे, तो उनने एक डिमांड रखी थी कि उनकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू करवाई जाए इंडिया के थ्रू। तो उनके लिए ही बोला गया है कि उनकी कंटिन्यू करवाई जाएगी, ठीक है, रिलोकेट किया जा रहा है। लेकिन जो उनको डिग्री मिलेगी, जो वो यूक्रेन यूनिवर्सिटी से ही मिलेगी, ठीक है, ये इसके अंदर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, द कमीशन हेयर बाई कन्वे इट्स नो ऑब्जेक्शन फॉर एकेडमिक मोबिलिटी प्रोग्राम इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन मेडिकल स्टूडेंट हु आर स्टडिंग इन यूक्रेन, प्रोवाइडेड दैट द अदर क्राइटेरिया ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 आर फुलफिल्ड, ठीक है। तो गैस, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे जो अदर यूनिवर्सिटीज़ होती है, जो इंडिया से बाहर की होती है, वहाँ से स्टूडेंट्स जब MBBS वगैरह करके आते हैं, तो जब इंडिया में वो ऐसे वैलिड नहीं मानी जाती, एक टेस्ट रखा जाता है, अगर वो टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तभी वो उनकी डिग्री इंडिया में वैलिड मानी जाती है, ठीक है। जब तक वो टेस्ट क्वालिफाई नहीं होता तब तक वो वैलिड नहीं मानी जाती। तो उसी के लिए बोला गया है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है रेगुलेशन 2002, वो फुलफिल उनको करना होगा। तो गैज़, ये आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। जो भी स्टूडेंट इंडिया से बाहर, जो यूक्रेन से MBBS कर रहे थे और वॉर के दौरान वो यहाँ पर आए थे, ठीक है, तो उनकी जो डिमांड थी वो एक्सेप्ट कर ली गई है, उनकी स्टडी जो है वो कंटिन्यू की जाएगी। थोड़ा टाइम ज़रूर उनका ख़राब हुआ है, लेकिन और जो उनका एकेडमिक जो डिग्री होगी वो वहीं से उनको मिलेगी। तो गैज़, ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी। जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।